हे एवन, हाउ यू ऑल। सो कैसे हो आप लोग। सो जिस बुक की हम बात करने जा रहे हैं उस बुक का नाम है अगली लव, और ये बुक लिखी है कोलिन होवर ने। सो ये बुक की शुरुआत है। सो बुक शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, और भी बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो हमने एक्सप्लेन कर रखी हैं कोलिन होवर की भी, और बहुत अच्छे अच्छे ऑथर्स की भी। अगर आप चाहो तो वो सारी बुक्स चेकआउट कर सकते हो, उन सब के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। और अगर आप हमें मॉनेटरीली सपोर्ट करना चाहते हो तो QR कोड को आप स्कैन कर सकते हो, उससे हमारी काफ़ी हेल्प होती है, हम चैनल को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। और अगर आपने लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सो आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें वीडियो की। तो जो ये कहानी है ना, ये कहानी है टेट कोलिन्स की और माइल्स आर्चर की, कि कैसे वो लोग बिल्कुल अलग तरीके के होते हैं एक दूसरे से, और उनको एक दूसरे से प्यार हो जाता है। तो यह है बुक में चैप्टर नंबर 1, और इस चैप्टर का नाम है टेट। अब जो टेट होती है ना, वो खड़ूवी होती है। इतने में क्या होता है, जो एक बूढ़ा आदमी होता है ना, उससे कहता है कि तुम्हारे गले पे निशान कैसा है, नौजवान लड़की। अब जो टेट होती है ना, उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो जाती है। वो उस बूढ़े आदमी की तरफ देखती है ना, जो उसके बगल में खड़ा हुआ होता है, और वो ना एलिवेटर का बटन दबाता है और उसको देख रहा होता है ना, स्माइल कर रहा होता है। अब जो बूढ़ा आदमी होता है ना, कहता है ये तुम्हारा बर्थ मार्क है क्या। अब जो हाथ होते हैं ना टेट के, वो अपने आप उसकी गर्दन पे चले जाते हैं। वो देखती है कि कहाँ पे मार क्या, वो छोटा सा ना निशान होता है जो कि उसके कान के थोड़ा सा नीचे को होता है। अब जो बूढ़ा आदमी होता है ना, वो कहता है मेरे दादाजी कहा करते थे कि जहाँ पे आपका बर्थ मार्क निशान होता है ना, इससे पता चलता है कि पुराने टाइम में आपकी ज़िंदगी में आपने कौन सी लड़ाई लड़ी थी, और जहाँ पे आपका निशान होता है ना, तो समझ लो आप वहीं पे मरे होगे। तो मुझे ऐसा लगता है तुम्हारी गर्दन पे ना कोई चाकू वाकू लगा होगा, तुम बहुत आसानी से मर गई होगी। अब ये सुनने के बाद जो टेट होती है ना, वो स्माइल करती है, और टेट को ना समझ नहीं आता कि वो कैसा फील करे। या तो वो खुश फील करे कि भाई इतनी अच्छी कहानी बताई है, या फिर वो घबरा जाए कि ये ऐसा बोल रहा है। और जो भी कुछ उसने बताया था ना, जिस तरीके की कन्वर्सेशन थी है, उससे एक बात तो पता चल गई थी, जो ये बूढ़ा आदमी है ना, ये बिल्कुल भी डरावना नहीं है मेरे लिए। क्योंकि वो ना बेचारा बूढ़ा सा था, थोड़ी सी कमर झुका हुई थी, और उसके ना हाथ भी कांप रहे थे। वो 80 साल से कम तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और वो हल्के हल्के कदम से ना, जो लिफ्ट थी एलिवेटर था, उसके बगल में एक लाल कलर की चेयर बैठी थी ना, उस पर आराम से बैठ गया। और वो ना वहाँ पर बैठा था और टेट को देख रहा था। और वो कहता है ना, क्या तुम 18वें फ्लोर पर जा रही हो। अब जो उसकी आंखें होती है ना, वो एकदम उसको देख रही होती हैं कि उसको कैसे पता चला कि मैं 18वें फ्लोर पर जा रही हूँ, जबकि पहली बार मैंने इस बिल्डिंग में कदम रखा है, और हो सकता है इस आदमी ने ही मुझे ज़िंदगी में पहली बार देखा हो। अब जो टेट होती है ना, कहती है हाँ, क्या आप यहाँ पर काम करते हो। अब जो बूढ़ा आदमी होता है ना, कहता है हाँ काम करता हूँ मैं। और वो ना एलिवेटर की तरफ देखता है। जो टेट होती है ना, वो भी एलिवेटर की तरफ देखती है, उसमें लिखा हुआ आता है अभी जो लिफ्ट है ना, वो 11वें फ्लोर पर है। अब टेट ना मन में सोचती है कि इस लिफ्ट को आने में भी कितना और टाइम लगेगा। और जो बूढ़ा आदमी होता है ना, वो एलिवेटर का बटन दबा देता है ताकि लिफ्ट नीचे आ सके। और वो कहता है ना, मेरी कोई ऑफिशियल पोजीशन तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैं अपने आप को ना फ्लाइट कैप्टन कहता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ना लोगों को 20वीं मंजिल तक हवा में लेके जाता हूँ। अब जब टेट ये सुनती है ना, तो उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, क्योंकि जो टेट का भाई है और जो टेट के पापा हैं, वो दोनों पायलट्स हैं। और उससे पूछती है कि आपको यहाँ पे कितना टाइम हो गया फ्लाइट कैप्टन इस एलिवेटर में। अब जो टेट होती है ना, मन में सोचती है यार कितनी स्लो लिफ्ट है ये, जो इतना टाइम लगा रही है। और जो बूढ़ा आदमी होता है ना, वो कहता है पहले मैं इस बिल्डिंग में ना मेंटेनेंस करता था, और मैंने लगभग 32 साल यहाँ पर मेंटेनेंस करी है। उसके बाद मैं फ़्लाइट कैप्टन बन गया, और पिछले 15 साल से ना मैं यहाँ पे फ़्लाइट कैप्टन हूँ। और मुझे ऐसा लगता है ना, जो इस बिल्डिंग का मालिक है वो बहुत दयालु है, उसको लगता है ना कि वो मुझे कोई ना कोई जॉब दे दे जब तक मैं मरूँ ना। वो कहते हैं ना, लेकिन उसको ये नहीं पता कि जो भगवान है ना, उसने मुझे और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें दी थी जो मैं अपनी ज़िंदगी में अकम्प्लिश कर पाया हूँ। और इस वक्त ना मैं उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर हो चुका हूँ, और मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं कभी मरूँगा ही नहीं। अब जो टेट होती है ना, वो हंसने लगती है, और फाइनली जो एलिवेटर का दरवाज़ा होता है लिफ्ट का, वो खुल जाता है। अब जो टेट होती है ना, जो उसका सूटकेस होता है बैग, उसका हैंडल पकड़ लेती है, और वो एक बार उनकी तरफ दोबारा से देखते हैं, कहती है ना तो आपका नाम क्या है। अब जो बूढ़ा आदमी होता है ना, वो कहता है सैमुअल, लेकिन सब लोग ना मुझे कैप्टन कहते हैं। अब जो टेट होती है ना, उनसे पूछती है कि आपका कोई बर्थ मार्क है कैप्टन। अब जो सैमुअल होते हैं ना बूढ़ा आदमी, वो कहते हैं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मेरे पास है तो, और मुझे ऐसा लगता है ना कि पुरानी ज़िंदगी में मेरी गांड पे गोली लगी होगी, और मेरा ना काफ़ी खून निकला होगा। अब ये सुनने के बाद जो टेट होती है ना, वो हंसने लगती है, स्माइल करती है, और बिना कुछ कहे ना कैप्टन को सल्यूट करती है हाथ से, और एलिवेटर के अंदर चली जाती है। और जो टेट होती है ना, उसको ये बिल्डिंग बड़ी अच्छी लग रही होती है, क्योंकि ये बिल्डिंग ऐसी थी ना जैसे कोई हिस्टोरिक होटल हो बहुत बड़ा सा। ऐसा लग ही नहीं रहता ये अपार्टमेंट है जहाँ पे लोग रहते हो, क्योंकि एक्सपेंसिव कॉलम्स, एकदम बढ़िया वाले मार्बल्स थे पूरे इस बिल्डिंग में।
क्योंकि जब टेट ने कॉर्बिन को कहा था कि मैं तुम्हारे साथ आके रह लूँ जब तक मुझे जॉब ना मिल जाए, तो उसको कोई भी आइडिया नहीं था ना टेट को कि जो कॉर्बिन है वो बड़ा हो चुका है। जो टेट और जो कॉर्बिन है ना, ये दोनों भाई बहन हैं। अब टेट को लग रहा था ना कि चीज़ें पहले की तरह ही होंगी, जब लास्ट टाइम टेट ने विजिट करा था कॉर्बिन को, और वो ग्रेजुएट ही हुआ था उस वक्त जब पहली बार ना उसको पायलट का लाइसेंस मिला था, तब टेट कॉर्बिन के साथ जाके रही थी। और वो बात 4 साल पहले की है, उस वक्त वो 2 स्टोरी बिल्डिंग में रहा करता था। और इस तरीके की चीज़ ना टेट ने एक्सपेक्ट नहीं करी थी अपने भाई से, और टेट ने तो ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी कि इतनी बड़ी बिल्डिंग वो भी बिल्कुल मेन सैन फ्रांसिस्को में भी होगी। अब टेट क्या करती है ना, लिफ्ट के अंदर खड़ी होती है, वो सारे पैनल को बटनों को देखते हैं और देखती है कि 18वां फ्लोर कहाँ पे है। और 18वां फ्लोर दबाने के बाद ना वो एलिवेटर में खड़ी हो जाती है, शीशे में देख ही रही होती है। उसको ये लगता है ना कि कल का पूरा सारा दिन मैंने अपना पैकिंग में बिता दिया, क्योंकि मैं भाई सैन डियागो में रहती थी, मुझे अपना अपार्टमेंट खाली करके यहाँ पर आना था। और उसको लगता है ना कि अच्छा है चलो मेरे पास ज़्यादा सामान नहीं था, और उसने अकेले 500 माइल की सफ़र करी है आज, और वो ना बिल्कुल थक चुकी थी। उसको चेहरे से साफ लग रहा था, जो उसके बाल थे ना वो सर पे बंधे हुए थे, उसके पेंसिल की मदद से बांध रखे थे, क्योंकि उसके पास जो हेयर बैंड था वो उसका खो गया था जब वो ड्राइव कर रही थी। और जो उसके बाल थे ना वो यूजुअली ब्राउन थे, लेकिन राइट नाउ जो उसकी आंखें थी ना वो बहुत ज़्यादा डार्क हो गई थी। अब जो टेट होती है ना अपने पर्स के अंदर देखती है कि भाई थोड़ा सा लिपस्टिक वगैरह लगा ले अपने होठों पे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए थे। और जैसे ही एलिवेटर बंद होने वाला होता है ना लिफ्ट, इतने में क्या होता है लिफ्ट दोबारा से खुल जाती है। एक लड़का होता है ना वो भाग के आता है, और उस जो ओल्ड आदमी होता है ना उसको हल्का सा ग्रीट करता है, कहता है थैंक्स कैप्टन, और अंदर आ जाता है। अब जो टेट थी ना वो अंदर से कैप्टन को देख तो नहीं पाती है, लेकिन हाँ जो कैप्टन थे ना वो उसको ज़्यादा ग्रीट नहीं करते, और जो आदमी होता है ना वो भी चुपचाप अंदर आ जाता है। और जब टेट उस आदमी को देखती है ना तो वो ऐसा लग रहा होगा जैसे 28-29-30 साल का होगा वो लगभग। और वो आदमी होता है ना वो हल्का सा टेट को देखता है, चुपचाप सीधा खड़ा हो जाता है और अपना हाथ ना अपनी जेब में डालता है। और जब अपना हाथ वो जेब में डालता है ना, जो टेट होती है वो नोटिस कर पा रही होती है कि उसने ना अंगूठी पहन रखी होती है, इसका मतलब है ये शादीशुदा है। और जो टेट होता है ना वो कहता है 10वां फ्लोर, और ना थोड़ा सा दूर देखने लगता है। और वो ना जो आदमी होता है वो जो टेट होती है ना उसकी छाती को देख रहा होता है, क्योंकि जो उसकी शर्ट होती है ना उसमें से हल्का सा उसके जो उभार है बूब्स का वो दिख रहे होते हैं। अब जो टेट होती है ना वो 10वां फ्लोर का बटन दबा देती है, और उसको मन में ये लगता है ना मुझे आज साला स्वेटर पहननी चाहिए थी। अब जो बंदा होता है ना दूसरा लोग पूछता है क्या तुम सामान शिफ्ट कर रही हो, वो अभी भी उसकी शर्ट को देख रहा होता है। अब जो टेट होती है ना वो हाँ कह देती है, और टेट ये चीज़ नोटिस तो कर लेती है कि भाई जो इसकी नज़र है ना वो मेरे बूब्स पे है, मेरे चेहरे पे तो बिल्कुल भी नहीं है। वो उससे पूछता है कौन से फ्लोर पे। अब टेट मन में सोचती है प्लीज़ यार नहीं। अब वो क्या करती है ना, जो फ्लोर वाले जहाँ पे बटन होते हैं ना सारे, उसके पीछे खड़ी हो जाती है और पैनल में ना सारे बटन दबा देती है, क्योंकि भाई उसमें पहले ऑलरेडी 18वां फ्लोर दबा होता है, तो इस पता चल जाएगा इसको ये 18वें फ्लोर पे जा रही है। वो फटाफट सारे बटन दबा देती है, और ये देखने के बाद जो आदमी होता है ना वो बिल्कुल कन्फ्यूज़ हो जाता है। और वो कहती है ना टेट इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, वो हंसने लगता है। और वो कहता है ना तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ, और टेट को लगता है ना इसको ऐसा लग रहा है कि मैं इसके साथ मजाक कर रही हूँ। और जो उसकी आंखें होती है ना वो एकदम डार्क होती हैं, उसके आईब्रोज भी बहुत अच्छी होती हैं, और तो उसका चेहरा ना काफ़ी अच्छा होता है, एकदम स्माइल बड़ा चेहरा होता है। और इतने अच्छे चेहरे के साथ ना एक अच्छी बॉडी भी होती है, और वो एक मैरिड बॉडी। और वो मन में सोचती है ना कैसा गांडू है यार ये। और जो टेट होती है ना उसके दिमाग में एक चीज़ चल रही होती है कि भाई यह आदमी इतना सेक्सी है, इतना अच्छा लग रहा है, कि भाई ये कितनी औरतों के साथ सोया होगा अपनी बीवी के अलावा। और ना उसके मन में आता है कि यार मैं तो इसकी बीवी के लिए बड़ी मतलब बहुत ही सहानुभूति है मेरी इसकी बीवी के लिए। और जो आदमी होता है ना वो भी उसके क्लीवेज को देख रहा होता है। जब ये लोग 10 फ्लोर पे पहुंच जाते हैं ना, अब वो कहता है ना उसको टेट को कि मैं तुम्हारी मदद कर दूँ, क्योंकि वो सूटकेस उठ के रखा होता है, और जो उसकी आवाज़ होती है ना वो काफ़ी अच्छी होती है। और उसको टेट को मन में ये लगता है ना कि कितनी लड़कियाँ इसके प्यार में फंस गई होंगी भले ये शादीशुदा है इसकी सिर्फ आवाज़ से। और जो आदमी होता है ना वो क्या करता है, जो सारे बटन होते हैं ना उसमें जो क्लोज़ वाला बटन होता है वो दबा देता है, भले ही वो 10वें फ्लोर पे पहुंच गया वो क्लोज़ वाला बटन दोबारा से दबा देता है। अब जो टेट होती है ना वो फटाक से क्या करती है, जो ओपन वाला बटन होता है ना वो दबा देती है, कहती है नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। और वो ना ये चीज़ तो समझ गया था कि भाई ये अब मेरे को पसंद नहीं कर रही है। वो ना उसको देखता है, थोड़ा सा स्माइल करता है, और ना एलिवेटर से बाहर निकल जाता है, कहता है ना कैच यू लेटर टेट, और ना दरवाज़ा बंद हो जाता है। अब जो टेट होती है ना वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होती, उसको ऐसा लग रहा होता है कि मैं जब से यहाँ पे आई हूँ मैं सिर्फ 2 बंदों से अभी इंटरेक्ट करा है मैंने, और वो दोनों ही बंदे मुझे कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से जानते थे। और वो ना उसी एलिवेटर में रहती है, जो लिफ्ट होती है ना वो हर फ्लोर पर रुक रही होती है, हर फ्लोर पर रुक रही होती है। वो क्या करती है ना अपना फ़ोन निकालती है पॉकेट से बाहर, और मैसेज में देखती है जब वो 18वें फ्लोर पर पहुँच जाती है कि उसने कौन सा अपार्टमेंट नंबर बताया था, क्योंकि जो टेट थी ना वो भूल चुकी थी कि कौन सा अपार्टमेंट था। उसको ये लग रहा था ना या तो 1816 है, या फिर 1814 है, या हो सकता है 1826 हो। और जब वो 1814 के सामने आके रुकती है ना
तब वो देखती है कि भाई एक आदमी है जिसने दारू पी रखी होती है, और वो ना 1816 के सामने बिल्कुल ऐसे पड़ा हुआ होता है उसके गेट पे। उसको मन में लगता है ना प्लीज़ भगवान 1816 ना हो, और जैसे ही वो फ़ोन में मैसेज देखती है ना तब उसका मैसेज पड़ती है, वो होता है 1816 का ही। अब वो ना चुपचाप दरवाजे की तरफ जाती है, अब वो सोचती है ना कि मैं इस आदमी को उठाऊँ ना, और उसने आराम से टांग फैला के दरवाजे से टिक के लेटा हुआ होता है बाहर, जो उसका चेहरा होता है ना उसकी छाती पर होता है, आराम से सो रहा होता है। अब जो टेट होती है ना उसके पास जाती है, उसके कंधे पे पास आकर ना कहती है एक्सक्यूज़ मी, लेकिन वो कुछ भी सुनता नहीं है। अब ना उसके कंधे को हल्का सा मारती कहती है मुझे अपार्टमेंट के अंदर जाना है। अब ना वो हल्की सी अपनी आंखें खोलता है, फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है, और ना जो टेट होती है उसकी टांगों को देख रहा होता है, और वो टांगों को ऐसे देख रहा होता है ना जैसे कि उसने पहली बार ज़िंदगी में कोई टांगे देखी हो। और वो क्या करता है ना अपना हाथ उठा के ना जो टेट होती है उसकी जो टांगों पर ना हल्का सा हाथ रख देता है, और ये करने के बाद ना वो दोबारा से वहीं पे सो जाता है। अब टेट को लगता है ना वाह कितनी बड़ी बात है, क्योंकि जो कॉर्बिन था ना वो कल सुबह तक वापस नहीं आएगा। वो क्या करती है ना टेट अपने भाई कॉर्बिन का नंबर मिलाती है, और जैसे वो फ़ोन उठाता है ना वो कहता है टेट, कुछ हेलो वेलो कुछ नहीं बोलता। अब जो टेट होती है ना वो कहती है यस मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे गेट के बाहर ना एक दारू पे हुआ आदमी है जो कि दरवाजे पर पड़ा है, क्या करना चाहिए मुझे? अब जो कॉर्बिन होता है ना वो कहता है 18वां फ्लोर है, तुम श्योर हो ना कि तुम सही अपार्टमेंट में हो? अब जो टेट होती है ना कहती है हाँ बिल्कुल। अब कॉर्बिन कहता है ना तुम्हें पक्का यकीन है उसने दारू पी रखी है? अब जो टेट होती है कहती है हाँ। अब जो कॉर्बिन होता है कहता है तो बड़ी अजीब बात है यार उसने पहन क्या रखा है? अब जो टेट होती है ना कहती है तुम्हें क्या लगता है क्या वो पहना होगा उसने? कॉर्बिन कहता है ना अगर उसने पायलट की यूनिफॉर्म पहन रखी है तो प्रोबेबली वो इसी बिल्डिंग में रहता है, क्योंकि जो एयरलाइन का कॉन्ट्रैक्ट है ना वो बड़ा अजीब किस्म का है। अब जो ये आदमी था ना इसने किसी तरीके की यूनिफॉर्म नहीं पहन रखी थी, लेकिन जब वो उसको नोटिस करती है ना तो उसने एक जीन्स पहन रखी होती है और ब्लैक टी शर्ट पहन रखी होती है जो कि उसको काफ़ी अच्छे तरीके से फिट हो रही थी। अब टेट कहती है ना नहीं इसने कोई यूनिफॉर्म नहीं पहनी है। अब कॉर्बिन कहता है ना क्या तुम इसको हट बचा के थोड़ा सा अंदर जा सकती हो? अब जो टेट है ना वो कहती है मुझे इसको हटाना ही पड़ेगा क्योंकि अगर मैं दरवाज़ा खोलूँगी ना तो ये अंदर को ही गिर जाएगा। अब जो कॉर्बिन होता है ना वो कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है, कहता है ना एक काम करो नीचे जाओ और जो कैप्टन है ना उनसे मदद मांग लो, मैंने उनको बताया था कि तुम आज रात को आने वाली हो और वो ना आके तुम्हारी मदद कर देंगे ताकि तुम अंदर जा सको। अब जो टेट होती है ना वो थोड़ा सोचती है, उसको ये लगता है ना मैं 6 घंटे गाड़ी चला के आई हूँ और मैं अब इतने से काम के लिए फिर नीचे जाऊँ, और मैं नीचे भी जाऊँ तो मदद किससे मांगूँ? कैप्टन से, क्योंकि जो कि मेरी बिल्कुल भी मदद नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो खुद 80 साल के हैं, वो क्या ही मेरी मदद करेंगे। अब जो टेट होती है ना कहती है एक काम करो तुम फ़ोन पे ही रहना जब तक मैं अपार्टमेंट के अंदर ना चली जाऊँ। अब जो टेट होती है ना उसके दिमाग में एक प्लान आता है, वो क्या करती है जो फ़ोन होता है ना अपने कंधे और कान के बीच में ले आती है और अपने बैग में से ना चाबी निकालती है जो कॉर्बिन ने उसको भेजी होती है, चाबी से दरवाज़ा खोलती है चाबी से और चुपचाप ना आराम से साइड से खिसका के अंदर जाने की कोशिश करती है। और टेट जैसे जैसे ना दरवाज़ा खोल रही होती है जो नीचे गिरा हुआ आदमी होता है ना पे वो भी अंदर अंदर खिसक रहा होता है। अब जो टेट होती है ना वो कहती है ये तो बिल्कुल बेकार है यार, बहुत ही ज़्यादा ख़राब सिचुएशन है। अब जो कॉर्बिन है ना वो कहता है टेट तुम बस कैसे भी करके ना अंदर घुस जाओ और दरवाज़ा लॉक कर लो अंदर से। अब जो टेट होती है ना अपनी आंखें उसको देखती है और उसको ऐसा लगता है ना जो मेरा भाई है ना वो अभी भी बिल्कुल एकदम बॉस की तरह बिहेव करता है, और मुझे अभी भी याद है ये हम अगर मैं इसके साथ शिफ्ट हो जाऊंगी ना तो ये हमारे रिलेशनशिप के लिए कितना ख़राब होगा क्योंकि हमेशा ना एकदम पापाओं की तरह बिहेव करता है। इसको ऐसा लगता है ना कि मैं अभी भी बहुत छोटी हूँ जबकि अब मैं जॉब ढूंढ रही हूँ, ये खुद के अपने अपार्टमेंट में रहता है, सब कुछ सेटल हो चुका है लेकिन तब भी मेरे पास कोई चॉइस नहीं होती। और टेट को ये लगता है ना कि शायद हो सकता है अब चीज़ें अलग हो क्योंकि अब कॉर्बिन 25 साल का है, मैं ऑलरेडी 23 साल की हूँ और अब हम बच्चे नहीं हैं, अब हम ग्रो अप हो चुके हैं बिल्कुल। अब टेट को ये भी लगता है ना कि सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि कॉर्बिन कैसा है, कि वो बदला है भी या नहीं, क्योंकि जब पिछली बार वे लोग साथ में रहते थे ना जो कॉर्बिन था उसको हर चीज़ से प्रॉब्लम हुआ करती थी कि ये किसको डेट करती है, कौन इसके दोस्त हैं, कौन से कॉलेज अटेंड करेगी, क्या चीज़ इसको करनी चाहिए क्या चीज़ इसको नहीं करनी चाहिए। और टेट को ये लग रहा था ना कि अब काफ़ी टाइम बीत चुका है उन सब चीज़ों को, अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ दोबारा से रहना शुरू करेंगे ना तो भैया ये अल्टीमेट टेस्ट होगा कि ये झेल भी पाएगा ये सब कुछ नहीं झेल पाएगा। अब जो टेट होती है ना जो उसका पर्स होता है उसने कंधे पे टांग रखा होता है, और जब वो अंदर जा रही होती है ना जो पर्स होता है जो उसका सूटकेस होता है ना उसमें हल्का सा हिलक गया होता है, और जो उसका सूटकेस और जो उसका पर्स होता है ना वहीं पर गिर जाता है, और वो ना एक हाथ से तो ना उसने जो दरवाजे का डोर का वो होता है ना हैंडल उसको पकड़ रखा होता है हल्के हल्के वो ताकि अंदर को चले जाए, और दूसरे हाथ से ना उस आदमी को उसने कर रखा होता है ताकि वो अंदर को ना गिर जाए। और टेट क्या करती है ना अपने पैरों से थोड़ा सा उसको पुश करती है ताकि ना दरवाजे के बिल्कुल बीच से ये साइड में हो जाए, दरवाज़ा खुले हुआ ये अंदर ही ना गिर जाए। अब जो टेट होती है ना कहती है कॉर्बिन ये बहुत भारी है मुझे ना फ़ोन रखना पड़ेगा तभी मैं अंदर जा पाऊँगी।
अब जो कॉर्बिन उनसे कहता है नहीं 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 तुम फ़ोन मत रखो, अपनी जेब में रख लो लेकिन फ़ोन मत काटना। अब जो टेट होती है ना, उसने ओवर साइज शर्ट पहन रखी होती है और उसकी लेगिंग्स में कोई जेब ही नहीं होती। वो कहती है मेरे पास कोई जेब नहीं है यार, अब तुम ना मेरी ब्रा में जा रहे हो। अब जो कॉर्बिन है कहता है छी, ऐसे गंदी सी साउंड बनाता है। और वो क्या करती है ना, अपनी ब्रा में फ़ोन रख लेती है। जो चाबी होती है ना, वो दरवाजे से निकालती है, अपने पर्स में रखती है। और वो जो पर्स होता है ना, क्योंकि वो गिर चुका होता है फ्लोर पे ही। अब जो टेट होती है ना, वो थोड़ा सा नीचे झुकती है, जो आदमी पियक्कड़ आदमी होता है ना उसको हल्का सा खिसकाती है और कहती है ऑल राइट बडी। और उसको ना थोड़ा साइड में कर देती है और कहती है ना मुझे माफ़ करना तुम्हारी नींद को इंटरप्ट करने के लिए, लेकिन मुझे अपार्टमेंट के अंदर जाना है। और थोड़ा सा ना कस के उसको धक्का उक्का दे के साइड में कर देती है ताकि वो खुद अपार्टमेंट के आराम से अंदर चले जाए। और जैसे ही उसका दिमाग एकदम ध्यान नीचे को जाता है ना, उसको देखती है कि भाई जो उसका हाथ है वो उसके बिल्कुल पैरों पे है। अब भैया कुछ सेकंड के लिए तो बिल्कुल फ्रीज हो जाती है और वो कह कस के चिल्लाती है मुझे जाने दो, और कस के ना उसके पैर पे किक करती है। अब जो आदमी होता है ना दारू पी के, वो कहता है मुझे अंदर आने दो। और वो ना चुपचाप थोड़ा सा फिर से आगे को हो जाता है। अब भैया जो टेट होती है ना, वो एकदम से घबरा जाती है कि ये क्या हो रहा है। वो ना कस के अपने एक पैर से ना लात मारती है दरवाजे को, दरवाज़ा ना कस के बंद हो जाता है। और जब दरवाज़ा बंद होता है ना, तो उसकी कलाई पे उसका हाथ आ जाता है और वो बाहर कस के चिल्लाता है शिट। और जैसे ही दरवाज़ा बंद होता है ना, फटाफट टेट उठती है, सारे भी जितने नट बोल्ट वोल्ड हैं सब कुछ दरवाज़ा अच्छे से करके कुंडी उंडी लगा देती है, बंद कर देती है। और उसका दिल ना बहुत तेज़ी से धड़क रहा होता है, वो कस के चिल्लाना चाहती है, क्योंकि जो उसका दिल था ना वो इतनी तेज़ी से धड़क रहा था, उसको बहुत डर लग रहा था। और इतने में ना उसके दिल के पास से आवाज़ आ रही होती है टेट टेट। तब इसको याद आता है अरे कॉर्बिन मैंने फ़ोन रखा था। वो फटाफट फ़ोन निकालती है अपनी ब्रा से और कान पे लगाती है। उधर से आवाज़ आ रही होती है कॉर्बिन की टेट मुझे जवाब दो। अब जो टेट होती है ना, तो अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करती है, कहती है हाँ मैं ठीक हूँ मैं ठीक हूँ, मैं अंदर आ चुकी हूँ, मैं दरवाज़ा भी लॉक कर लिया है। अब जो कॉर्बिन होता है कहता है हे भगवान तुमने तो मुझे डरा ही दिया था यार, हुआ क्या मुझे बताओ। अब जो टेट है ना, वो कहती है वो अंदर आने की कोशिश कर रहा था, मैंने डोर लॉक कर लिया है। और जैसे ही वो अंदर जाने की कोशिश करती है ना, वो 3 कदम ही बड़ी होती है मुश्किल से, तब इसको कुछ याद आता है। उसको लगता है ना कि शिट ये क्या हो गया। अब जो टेट होती है ना, वो कहती है कॉर्बिन मैंने अपना कुछ सामान बाहर भूल गई हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मुझे ऐसा लगता है ना कि जो पियक्कड़ आदमी था ना, वो शायद इस अपार्टमेंट के अंदर आना चाहता है, शायद उसी वजह से ना मुझे दोबारा से दरवाज़ा खोलना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँ। अब जो कॉर्बिन होता है ना, कुछ सेकंड के लिए तो बिल्कुल शांत हो जाता है, कहता है तुमने वैसे बाहर छोड़ा क्या है। अब जो टेट है ना, वो उसको जवाब नहीं देना चाहती कि उसने छोड़ा क्या, वो कहती है ना मेरा सूट केस। अब जो कॉर्बिन होता है कहता है हे भगवान टेट। अब जो टेट होती है ना, वो कहती है मेरा पर्स भी है यार। कॉर्बिन कहता है ना तुम कर क्या रही हो, तुमने सारा सामान तो बाहर ही छोड़ दिया। अब जो टेट है ना, वो कहती है मुझे ऐसा लगता है ना मैं तुम्हारे अपार्टमेंट की भी बाहर गिरा दी है। अब जो कॉर्बिन होता है ना, वो कुछ जवाब नहीं देता, वो कहता है एक काम करता हूँ मैं माइल्स को कॉल करता हूँ और वो शायद अभी तक घर नहीं आया होगा, मुझे 2 मिनट दो मैं चेक करता हूँ। अब जो टेट होती है कहती है माइल्स कौन है। अब जो कॉर्बिन है ना, वो कहता है वो हॉल में रहता है और तुम्हें क्या करना, तुम बस दरवाज़ा मत खोलना जब तक मैं तुम्हें कॉल बैक ना करूँ। अब ना कॉर्बिन फ़ोन काट देता है और जो टेट होती है ना, वहीं पर दरवाजे के पास बैठ जाती है। टेट मन में सोचती है ना कि मुझे अभी मात्र 30 मिनट हुए हैं सैन फ्रांसिस्को में आए हुए और ऑलरेडी मैंने इतनी ज़्यादा ना गांड में उंगली कर दी है अपने भाई के। और उसको ये लगता है ना कि मैं कितनी लकी हूँ कि चलो ये इतना सब के बावजूद भी मुझे रुकने दे रहा है जब तक मेरी यहाँ पे जॉब ना लग जाए। लेकिन ऐसा लगता है ये ज़्यादा टाइम तक चलेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 3 जगह RN पोजिशंस के लिए अप्लाई कर दिया था जो आसपास के हॉस्पिटल्स हैं, और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं लेट नाइट काम करूँगी, वीकेंड पे काम करूँगी या दिन रात काम ही करती रहूँगी, ताकि मैं इतने पैसे बचा लूँ ना ताकि मैं भी अच्छे जगह शिफ्ट हो जाऊँ। इतने में क्या होता है, जो टेट होती है ना, उसका फ़ोन फिर से बजने लगता है। वो आंसर करती है कहती है हे। और जो उधर कॉर्बिन होता है कहता है टेट। अब जो टेट होती है ना, वो कहती है हाँ बोलो। अब जो कॉर्बिन है ना, कहता है वैसे मेरी बात हो गई है माइल से। अब जो टेट होती है कहती है गुड, क्या वो मेरी मदद करने आने वाला है ताकि वो सामान अंदर रखवा दे। अब जो कॉर्बिन होता है ना, कहता है एग्जैक्टली नहीं, मुझे ऐसा लगता है ना कि मुझे तुमसे कुछ हेल्प चाहिए होगी। अब जो टेट होती है ना, मन में सोचती है यार मुझे पहले ही फीलिंग आ रही है कि अगले कुछ महीने ना मैं बस इसकी मदद ही करने वाली हूँ और ये मुझसे मदद ही मांगेगा, या तो सामान लाने में, बर्तन धुलने में, कपड़े धुलने में, सामान खरीद के लाने में, इन्हीं सब चीज़ों में ही। अब जो टेट होती है ना, कहती है किस तरीके की हेल्प। अब जो कॉर्बिन होता है ना, कहता है माइल्स को ना तुम्हारी हेल्प चाहिए। अब जो टेट होती है कहती है वो कौन, तुम्हारा पड़ोसी। और ये कहने के बाद ना वो रुक जाती है। अब जो टेट होती है कहती है कॉर्बिन प्लीज़ ये मत कहना कि जिस आदमी को तुम मेरी मदद करने के लिए बुलाने वाले थे वो यही पियक्कड़ आदमी है जो हमारे गेट के बाहर पड़ा है और मुझे इसकी मदद करनी है। अब जो कॉर्बिन है ना, वो कहता है मुझे ऐसा लगता है ना तुम्हें दरवाज़ा खोलना चाहिए, तुम उसको अंदर ले आओ और उसको ना काउच पे लिटा दो। जब मैं सुबह सबसे पहले आऊँगा ना, जब वो उठ जाएगा वो सबसे पहले घर के बाहर चले जाएगा पक्का। अब जो टेट होती है ना, अपना सर हिलाती है,
कहती है ना, तुम ऐसे कॉम्प्लेक्स अपार्टमेंट में रहते हो और मैं बिल्कुल भी ऐसी जगह रहने के लिए तैयार नहीं हूँ जहाँ पे पीएक कर लोग आए और मुझे छेड़ें जब भी मैं घर पे आऊँ। जो कॉर्बिन होता है कहता है, तुम्हें छेड़ें? उसने तुम्हें छेड़ा? अब जो टेट होती है ना, वो कहती है, एक तरीके से छेड़ा तो नहीं, बस उसने मेरा ना पैर पकड़ा था। अब जो कॉर्बिन होता है ना, वो कहता है, बस तुम यार मेरे लिए कर दो ये टेट, और मुझे ना तुम कॉल बैक करना जब तुम उसको अंदर ले आओ, और तुम अपना सारा सामान भी अंदर ले आना। अब जो टेट होती है कहती है, ठीक है। और ये कहने के बाद ना जो कॉर्बिन होता है वो कॉल कट कर देता है। और जब टेट दरवाज़ा खोलती है ना, जो आदमी पड़ा होता है बाहर माइल्स, वो ना दारू पी रखी होती है, उसके कंधे के पास ही ना उसका फ़ोन होता है, और सारा सामान टेट का भी ना बाहर ही पड़ा हुआ होता है। वो सारा सामान वामान इकट्ठा करती है, और जब वो उसकी आंखों को देखती है ना, तो बिल्कुल अभी भी उसकी आंखें बंद ही होती हैं। और वो कहता है ना, तुम कॉर्बिन नहीं हो, दारू के नशे में ही बोल रहा होता है। और जो टेट होती है ना, वो कहती है, हाँ मैं कॉर्बिन नहीं हूँ और मैं तुम्हारी नई पड़ोसी हूँ, और मुझे ना तुम्हें अंदर लेके जाना है, और जितनी मैं तुम्हारी मदद करी ना, इसके बदले कम से कम तुम मुझे 50 कप चीनी दोगे। अब जो टेट होती है ना, उसको कंधों से उठाती है, लेकिन वो उठ नहीं रहा होता। उसको ना बड़ी कोशिश करती है, क्योंकि उसने इतने पी रखी होती है। और टेट मन में सोचती है, यार लोग इतना पी क्यों लेते हैं कि उनसे इतना चला भी नहीं जाता। और उसको ना उठा के कस के अंदर, और जैसे तैसे करके ना अंदर लेके आती है, फिर दरवाज़ा बंद करती है, और अंदर लाते ही ना उसको काउच पे लिटा देती है बिल्कुल, ताकि वो वहीं पे सो जाए, और अगर उल्टी भी करे ना तो साइड में उल्टी करे। और जब टेट माइल्स को आराम से लिटा देती है ना लिविंग रूम में, तब जो टेट होती है ना आराम से घर का मुआयना करती है, और वो देखती है ना कि जो ये अपार्टमेंट है ये तो काफ़ी बड़ा है, और उसका लिविंग रूम ही इतना बड़ा है कि उसमें 3 लिविंग रूम आ जाएंगे अंदर से, जैसे कॉर्बिन पुराने वाले फ्लैट में रहा करता था। और जो डाइनिंग एरिया है ना, वो काफ़ी बड़ा था, और उसके पास किचन भी थी। किचन और लिविंग रूम में एक वॉल थी जिससे कि दोनों सेपरेट हो जा रहे थे, और वहाँ पे ना कई सारी पेंटिंग्स रखी थी, सोफ़ा था, सब कुछ था, लाइट फैन था, काफ़ी बढ़िया बढ़िया पेंटिंग्स लगी थी। और वो जब वहाँ पे देखती है ना, तो एकदम खुश हो जाती है। बीन बैग था, पोस्टर थे, अच्छी अच्छी कुर्सियाँ थी वहाँ पे। और टेट को ये लगता है ना कि फाइनली मेरा भाई है ना वो बड़ा हो गया है। और टेट कहती है ना, बहुत इंप्रेसिव है कॉर्बिन। और टेट को ये लगता है ना कि चलो अभी तो मैं यहाँ टेम्परेरी रह रही हूँ, मेरा कुछ ही महीनों के लिए घर होगा, लेकिन ये जगह लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छी है, और मुझे इस चीज़ से ना नफरत है, क्योंकि इतनी अच्छी जगह ढूंढना, वो भी सैन फ्रांसिस्को में, अपने पैसों पे बड़ा मुश्किल होने वाला है ये। वो किचन में जाती है, किचन में आने का फ्रिज खोलती है ना, तो वहाँ पे देखती है कि भाई वहाँ पे पिज्ज़ा रखा हुआ होता है पुराना। तो वो देखती है जो दूध का गैलन होता है ना, वो बिल्कुल खाली होता है। और टेट को एक चीज़ तो पता चल चुकी थी कि भैया उसको तो सामान खरीदना पड़ेगा, राशन वगैरह खरीदना पड़ेगा, क्योंकि जो टेट है ना वो उम्मीद तो कर सकती है कि वो बदल गया है, लेकिन कॉर्बिन बिल्कुल ही बदल गया होगा ना, मैं ऐसी भी उम्मीद नहीं रखना चाहती हूँ। अब टेट क्या करती है ना, पानी की बोतल लेती है, किचन से जैसी बाहर निकलती है ना, वो देखती है कि भाई बाहर 2 कमरे होते हैं। वो सोचती है कि मुझे कौन सा वाला कमरा लेना चाहिए अगले कुछ महीनों के लिए, क्योंकि वहाँ पर 2 बेडरूम होते हैं, एक तो कॉर्बिन का होगा, वो दूसरे वाले में ना अपना सारा सामान रख देती है। और उसके पास ना 3 सूटकेस होते हैं और 6 बॉक्स होते हैं जो कि उसके नीचे कार में रखे होते हैं। अब ना टेट का मन नहीं कर रहा होता कि वो जाके कार में से लेके आए, फिर वो सोचती है ना ये काम मैं कल के लिए छोड़ देती हूँ, जब कॉर्बिन आएगा ना वो सुबह आके ये सारा काम करेगा। अब टेट के मन में ख्याल आता है ना कि फटाफट मैं अपने कपड़े चेंज कर लेती हूँ, अपने दांतों को ब्रश करती हूँ और चुपचाप ना सो जाती हूँ। और उसको ना टेट को थोड़ा अजीब सा भी लगता है कि मतलब कोई आदमी है उसके अपार्टमेंट में सो रहा है, लेकिन उसको ना ये चलो इस चीज़ का रिलैक्स होता है कि एटलीस्ट कॉर्बिन को पता है। और कॉर्बिन को ना अगर किसी से भी लगता है कि भाई खतरा है मेरी बहन को, तो वो उसको अलाउ ही नहीं करता, लेकिन जो माइल्स है ना वो शायद सही बंदा होगा, और ये चीज़ उसने पहली बार करी होगी, शायद इसीलिए कॉर्बिन ने उसको अलाउ कर दिया कि वो यहाँ पे आ जाए। और जो कॉर्बिन था ना, वो किसी को भी जल्दी ट्रस्ट नहीं करता था, स्पेशली जब से वो ब्लेक वाला हादसा हुआ था। जो ब्लेक था ना, वो टेट का पहला बॉयफ्रेंड था सीरियस, जब टेट मात्र 15 साल की थी, और वो कॉर्बिन का सबसे अच्छा दोस्त था। जो ब्लेक था ना, वो 17 साल का था, और ना जो टेट था उसका बड़ा क्रश था ब्लेक पे। और जो टेट थी ना, उसकी ज़्यादातर जो क्रश हुआ करते थे ना, वो कॉर्बिन के ही दोस्त हुआ करते थे, क्योंकि जो कॉर्बिन था उससे उम्र में बड़ा था। और जो ब्लेक था ना, वो कई बार वीकेंड्स पे रात को रुका करता था कॉर्बिन के साथ, और जब भी उन दोनों को टाइम मिलता था ना, तो वो कॉर्बिन से नज़र चुरा के एक दूसरे के साथ बातें करा करते थे। और कई हफ्ते ना इन्हीं सब चीज़ों में चलने के बाद, जो ब्लेक था ना उसने ये बताया कि हमारी रिलेशनशिप ऑफिशियल है, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं थी कि हम लोग रिलेशनशिप में आ गए थे, प्रॉब्लम ये थी कि वो कॉर्बिन से कैसे नज़रें मिलाएगा जब उसने मेरा दिल तोड़ दिया। तो उस वक्त मैं मात्र 15 साल की थी, और उस दिल तोड़ने के बाद ना जब ये सबको पता चला, तो भैया उसके बाद तो बहुत लफड़ा हो गया। जो कॉर्बिन था ना, उसने अपनी दोस्ती तोड़ दी टेट के साथ, और जो भी कॉर्बिन के दोस्त थे ना, वो उनको मेरे नज़दीक भी नहीं आने देता था। और मुझे ऐसा लगा था ना कि जब तक कॉर्बिन, हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ेंगे ना, कोई भी लड़का मेरा बॉयफ्रेंड नहीं बनने वाला। जब कॉर्बिन स्कूल ख़त्म हो गया ना, उसका वो चला गया, तब मेरे को मौका मिला कि मैं थोड़ा
थोड़ा दूसरे लोगों के साथ हैंग आउट कर सकूँ। उसमें भी ना मुझे ये डर रहता था कि भाई ये तो कॉर्बिन की बहन है, इसके तो दूर ही रहो। और ये चीज़ ना टेट को उस वक्त बड़ी बुरी लगती थी कि भाई मैं तो चाहती थी कि रिश्ते अब करें, चीज़ें अच्छी हो जाए मेरे लिए, लेकिन ये सब कुछ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जो टेट थी ना वो यहाँ पे अपनी मास्टर्स डिग्री पूरी करने आई थी। अब जो टेट थी ना उसका जो सबसे लेटेस्ट वाला बॉयफ्रेंड था उसकी रिलेशनशिप 1 साल तक चली, और जब लास्ट में ना वो लोग सेपरेट हो गए, क्योंकि जो बंदा था ना वो चाहता था कि भाई हम लोग परिवार बसा लें, लेकिन जो टेट थी ना वो अपना करियर बनाना चाहती थी। और अब फाइनली टेट यहाँ पे है, अपनी मास्टर्स डिग्री नर्सिंग में परस्यू कर रही है ताकि वो रिलेशनशिप को सारा अवॉइड कर सके, और वो अभी कॉर्बिन के साथ रहने वाली है। उसके साथ रहना इतना बुरा भी नहीं है। अब वो क्या करती है ना, लिविंग रूम में जाती है, लाइट ऑन करती है, और वो ना अचानक से रुक जाती है, क्योंकि जब वो देखती है ना जो माइल्स होता है वहाँ पे वो होता ही नहीं है वहाँ पे, और वो किचन में ना बैठा हुआ होता है, किचन में जो फ्लोर होता है ना आराम से कुर्सी पे ना उस पर टिक के बैठा होता है स्टूल पे, और वो इस तरीके से बैठा होता है ना कि वो किसी वक्त ज़मीन पे गिर जाएगा। अब जो टेट होती है ना फटाफट जाती है वहाँ पे, कहती है माइल्स, और वो ना वहाँ पे हिल नहीं रहा होता। जब उसका नाम बुलाती है ना, उसके कंधों पे टच करती है, वो एकदम से सीधा खड़ा हो जाता है, और ऐसे खड़ा हो जाता है ना जैसे कोई उसने भूत वूत देख लिया और एकदम डर गया हो। अब टेट क्या करती है ना, उसका हाथ अपने कंधों पे लेके आती है, कहती है चलो बड़ी तुम्हें सोना है, और ना चलते चलते नशे में भी कह रहा होता है ना मेरा नाम बड़ी नहीं है, मेरा नाम माइल्स है, नशे में बोल रहा होता है। और ना उसको लेटा के ना चुपचाप काउच पे लिटा देती है। काउच पे लिटाने के बाद कहती है ना ओके माइल्स जो भी कुछ तुम हो अब तुम सो जाओ। और जब वो काउच पे लेट रहा होता है ना वो क्या करता है ना, टेट को भी अपने साथ थोड़ा गिरा लेता है ताकि वो उस पर आ जाओ, कहता है ना रेचल प्लीज़, और ना थोड़ा उसको ना पास लाने की कोशिश करता है। अब जो टेट होती है ना कहती है मेरा नाम रेचल नहीं है, और ना उसका हाथ अपना हाथ दूर करती है, कहती है मेरा नाम टेट है, और ये चीज़ ना वो क्लैरिफाई भी करती है। लेकिन टेट को ये मन में लगता है ना फिर कि मुझे बता के भी ये क्या फ़ायदा, हो सकता है जब हम कल बात करें तो उसको ये कुछ याद ही ना हो, और ना उसको एक तकिया दे देती है। और इतने में क्या होता है ना, टेट वो एकदम से रुक जाती है वहाँ पर। जब टेट उसको देखती है ना तो उसको जो चेहरा होता है ना वो तकिए में होता है, और उसने ना तकिए को कस के पकड़ रखा होता है, और जो वाइट तकिया होती है ना वो गीली हो चुकी होती है, वो इतना कस के उसने तकिए को पकड़ रखा होता है ना, टेट को लगता है ना पहले क्या ये बीमार है, लेकिन सच तो ये था ना कि वो रो रहा था, वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, और वो ऐसा रो रहा था ना कि बिल्कुल आवाज़ भी नहीं आ रही थी। अब टेट को ये लगता है ना मुझे नहीं पता इस आदमी के साथ क्या हुआ है, लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ है जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था इसके लिए। अब ना उसको ये लगता है कि मुझे इसको ना छोड़ देना चाहिए अकेले में, ये थोड़ा इसको प्राइवेसी चाहिए, लेकिन उसको ये लग रहा था ना कि हो सकता है इसके साथ क्या ख़राबी हुई हो या फिर क्या इसके साथ ऐसा हुआ है। टेट का ना एक मन तो कह रहा था कि भाई इन सब चीज़ों से दूर हो जाओ, जो भी प्रॉब्लम है वो इसकी प्रॉब्लम है, मेरा क्या मतलब है, लेकिन कहीं ना टेट के मन में एक सिंपैथी थी उसके लिए। और एक्चुअली ना ये जो वो रो रहा था वो बहुत ज़्यादा जेन्युइन था, ये ऐसा नहीं था कि उसने बहुत ज़्यादा दारू पी लिया इसलिए रो रहा हो, कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा दुखी था किसी ना किसी चीज़ से, शायद इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा रो रहा हो। और वो ना क्या करती है, टेट थोड़ा घुटनों पर बैठती है, उसके कंधों को टच करती है, कहती है माइल्स, और उन्हें गहरी सांस लेता है ना उसकी तरफ देखा है, आँखें खोलता है, जब वो आँखें देख खोलता है ना अपनी, उसकी आँखें बिल्कुल लाल होती हैं, वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, एल्कोहल की वजह से नहीं, उसको वैसे ही बहुत ज़्यादा दुख होता है, कहता है ना आई एम सॉरी रेचल, और अपना हाथ उठा के ना टेट के गर्दन के पीछे रख लेता है, उसको ना थोड़ा पास लाने की कोशिश करता है, कहता है मुझे माफ़ कर दो। अब जो टेट होती है ना उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता ये रेचल है कौन या फिर ये इतना दुखी क्यों है, और उसको टेट को ऐसा लगता है ना कि ये तो बड़ा बुरी बात है यार, और टेट को लगता है ना कि शायद रेचल को पता भी ना हो ये यहाँ पर इतना दुखी पड़ा है बेचारा माइल्स। अब जो टेट होती है ना वो सोचती है कि मैं इसके फ़ोन निकालती हूँ, इसके फ़ोन में से रेचल को फ़ोन कर देती हूँ ताकि वो एटलीस्ट उसको बता तो दूँ कि इतना परेशान है। फिर वो सोचती है ना कि चलो ठीक है, इसको जो भी लग रहा हो मैं भले ही रेचल हूँ, कोई नहीं इसको ऐसे ही रहने दो, ये एटलीस्ट सो तो जाएगा, और ना उसको हल्का सा धक्का देती है काउच पे ताकि वो आराम से फिर से सो जाए, और उसको ना तकिया भी दे देती है और कहती है ना सो जाओ माइल्स। अब जो उसकी आंखें होती है ना उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा दुख होता है, वो चुपचाप लेट जाता है, कहता है ना तुम मुझसे बहुत नफरत करती हो ना, और उसकी आंखें ना कहती बंद हो जाती हैं। और जो टेट होती है ना उसको बिल्कुल साइलेंटली देख रही होती है, जब तक तो वो बिल्कुल शांत नहीं हो जाता, उसकी आंखों में कोई भी आंसू नहीं होते, वो उसको देखती रहती है वहाँ पे बैठे बैठे। अब भले ही माइल्स सो चुका हो लेकिन ना अभी भी उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और टेट को ये लगता है ना ये इतना परेशान क्यों है, और ये कितने आराम से सो रहा है लेकिन इसकी ज़िंदगी में कितना दुख है। और पहली बार ना जब वो उसको नोटिस करती है उसके चेहरे को, माइल्स के चेहरे को, तो वो देखती है ना कि उसके चेहरे पे 4 इंच का, सीधे हाथ पे गाल पे 4 इंच का लंबा कट है जो कि उसके बिल्कुल होंठों के पास आके रुक रहा है। और जो टेट होती है ना उसका जो घाव होता है ना उसको वो छूना चाहती है, लेकिन वो ये नहीं चाहती ना कहीं उठ जाए, जो उसके बाल होते हैं ना माइल्स के वो साइड से छोटे और आगे से बड़े होते हैं, ऊपर से बड़े होते हैं, और ब्राउन और ब्लॉन्ड कलर के होते हैं। अब जो टेट होती है ना उसके बालों को हल्का सा सहराती है जबकि वो ये डिज़र्व भी नहीं करता,
और टेट को मन में ये लगता है ना कि शायद इस आदमी को ना सहानुभूति की ज़रूरत है, जो भी इसके साथ हुआ या जो भी रेचल ने इसके साथ करा, एटलीस्ट ये उस चीज़ को फील कर पा रहा है और मैं चाहती हूँ कि मैं उसको ना ये एटलीस्ट सहानुभूति तो दे ही दूँ। और टेट सोचती है ना कि भले ही इसने रेचल के साथ कुछ भी क्यों ना करा हो, लेकिन एटलीस्ट ये उससे इतना प्यार तो करता है कि आज भी उस चीज़ को लेकर ना बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहा है। सो इस नोट पे होती है ये वीडियो ख़त्म। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इसके आगे की स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड।